प्लीज 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 गंदे बच्चों, प्लीज गंदे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फकार, अपने आज के व्लॉग के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। आज के व्लॉग में मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा अपने पपीज से। माशाल्लाह से 8 वीक्स के हो गए, बदतमीजियाँ अब उनकी उरूज पे आ गई हैं और एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। माशाल्लाह बहुत क्यूट हो गए और अभी तक हमें उनके लिए कोई सूटेबल हाउस नहीं मिल रहा जो उनको अडॉप्ट करे। तो कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन ये मैं बता दूं कि पपीज़ हैं बहुत क्यूट। चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा आखिर तक, क्योंकि आखिर तक मैं पपीज़ को दिखाता रहूँगा और उनकी मज़े मज़े की हरकतें रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं दिखाऊँगा कि हमारे घर में एक डव के पेड़ ने अपना नेस्ट बनाया है, घोंसला बनाया है, तो हमने उनके लिए थोड़ा सा फैसिलिटेशन की है। चलिए तो सबसे पहले मिलिए गिल्लू मामू से। गिल्लू आओ, आओ मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरा बेटा। अंगड़ाई लेनी तो ज़रूरी होती है दिखाने के लिए कि यू आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी, समझे तुम बॉबी। जुल्फकार इधर आओ, आओ आ जाओ, आओ आओ। देखा थे कप्तनी भाग गए यहाँ से। आज सुबह से ही मेरे सर में बहुत दर्द है, बहुत ही पेन किलर, और मैंने कोई खाया नहीं है। जैसे तैसे उसको बर्दाश्त करो, लेकिन मूड सही है, मूड अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुबह भी आने वाली थी मगर वो अचानक कोई उसको इमरजेंसी आ गई, तो वो आज हमेशा ज्वाइन ना करे शायद, लेकिन मुझे पता है कि वो बड़ी ज़िद्दी औरत है, हो सकता है आ भी जाए। प्लांट्स का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। मैंने एक बाउज़र वाले से बात की थी, उसने कहा था कि वो आएगा, वो भी अभी तक नहीं आया है। तो मैं वो दिखाता हूँ जो हमने फाख्ता किया, जो पेयर है उसको जो फैसिलिटेट किया है, किस तरीके से किया है वो दिखाता हूँ मैं। हम बात ने ये एक पॉली प्रोटीन की एक शीट लगा दी है और फाख्ता इस पर बैठी हुई है, इस वक्त नज़र आ रही होगी शायद। मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जा रहा उसके क्योंकि वो डर के उड़ ना जाए। तो यहाँ से एक छोटा सा नेस्ट बनाया है अपना। चलते हैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के पास। एक्सटेंडेड फैमिली तो है, इतने सारे लोग हैं, 3 तो हम घर वाले हैं और 13 हमारे मजीद फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि बहुत क्यूट हैं, हमसे बहुत ज़्यादा। हम तो खैर बिल्कुल भी नहीं, 0 हैं। फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है उनकी तरफ, तो शायद आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए उनको बाहर बुला लेता हूँ मैं उनको। अगर तो कोई आ जाओ, दो लोग सबसे पहले आए, चीखते चाखते गुस्से में चूर, गर्मी की वजह से तुम लोगों को अंदर बंद किया हुआ था ना मैंने। क्या हो गया, क्यों इतने अग्रेसिव बोल रहे? क्या हो गया? दोस्ती क्यों नहीं कर लेते आपस में? आप लोगों के पास अगर डॉग्स हैं तो क्या वो भी इतने बदतमीज हैं? मुझे तो साफ बात है, मुझे ये ट्रेन करना आया नहीं इनको कभी भी। हम बाद में कोशिश की थी ट्रेन करना मगर वो भी नाकाम हो गया, और इसको तो कोई दुनिया की ताकत ट्रेन नहीं कर सकती क्योंकि इतना बदतमीज़ लड़का है। क्या चाह क्या रहे हो तुम लोग? नहीं की वजह से ना इन लोगों को स्वेटिंग बहुत हो रही है। आप कहेंगे कुत्तों की स्वेटिंग कैसे होती है, कैसे पता चलता है? इनके मुंह से ना राल टपकनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि इनको स्वेटिंग हो रही है क्योंकि बॉडी पे हेयर्स बहुत होते हैं, तो वो वैसे तो स्वेट कर नहीं सकते जैसे कि इंसान करते हैं। ब्रूनो मैंने तुम्हें मना किया था ना प्लांट्स ख़राब करने के लिए, समझाया था ना तुम्हें? नहीं, मुझसे दूर रहो तुम लोग, मुझे नहीं तुम लोगों से कोई बात करनी। जो क्या बरेटा, तुमने पीछे से आके मुझे चाट लिया, बरेटा पागल ने मुझे पीछे से चाट लिया। चलो दूर तो जाओ, कैमरे पे नज़र नहीं आओगे, इतना बड़ा डॉग नज़र नहीं आ सकता। समझ ही भी नहीं आती, वो जाके अपनी जगह पे बैठ गई है, उसको यहाँ बैठ के सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। वो अंदर से गिल्लू मामू चीख रहे हैं बाहर आना है। बाहर आने का मतलब है कि ये जो साहब है ना, ये पहले भी उसकी एक दफ़ा आँख पे चोट लगा चुके हैं, बहुत दिन लगे थे उसको हील होने में, डॉक्टर ने कहा था टाके लगेंगे, बड़ी मुश्किल से हमने उसको सही किया था। क्या है, क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो स्टूपिड डॉग? मुझे पता है तुम्हारे जो दिल में क्या है, जो तुम चाह रहे हो ना, ये बेसिकली चाह रहे हैं बाहर जाना। इस वक्त तुम तो नहीं मिल सकती ना बच्चों से, उनकी मदर तुम पे ट्रस्ट नहीं करती ना बिल्कुल भी ना।
बाकी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेती, तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती बरेटा? तुम इतनी गंदी लड़की हो कि तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। तुम मार दोगी बच्चों को? पपीज का खाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, पपीज को खाना देता हूँ और साथ में उनकी एक्टिविटी दिखाता हूँ कि वो क्या करते हैं, किस तरह खाना खा रहे हैं। मुझे बहुत गंदगी करते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं। और हमारे पास आजकल जो प्रॉब्लम हुई भी वो ये है कि जो हमारे घर मुलाजमा काम कर रही थी वो उनकी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम रहती है। खैर एनीवे, पार्ट ऑफ द लाइफ, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। ये ऐसी गुजरती है ज़िंदगी। हर आदमी जो है वो आपकी शराइत के ऊपर नहीं चल सकता, हमें अकोमोडेट करना पड़ता है। डबल चिन बहुत हो रही है, किसी को मालूम हो डबल चिन कैसे ख़त्म होती है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। बुला रहा था, तुम भाग गए थे ना, अब तुम यहाँ आके खड़े हो गए हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। ये खाना है ना, ये मैं बच्चों को देने जा रहा हूँ, तुम नहीं कर कुछ भी खाओगे, समझे तुम? दो मिल आने के फिर भाग गया तुम। बहुत ज़्यादा तुम अपने आप को इस वक्त हीरो समझ रहे हो ना, बहुत तुम कोई तुम खूबसूरत नहीं लग रहा है इतने ज़्यादा, अपने आप को तुम बहुत खूबसूरत समझते हो। ऐसे क्या देख रहे हो पीछे पलट पलट के? कोई मुझे इंटरटेनमेंट नहीं हो रही तुम्हारी दुम हिलाने से। चलो खाना खा लो। आ गए सारे, सबको खाना चाहिए था। ये इनकी मम्मी, इमली को फिर डर रहता है कि इसके बच्चों को कोई मार ना दे। ये है ना इमली, बच्चों की मदर और बच्चों की डैडी। माशाल्लाह से बच्चे जो पपीज़ हैं वो 8 वीक्स के हो गए हैं और बहुत एक्टिव हैं। इनके अब्बा भी बहुत एक्टिव हैं। क्या हो गया? नहीं, खाना खा लो वरना सब ज़ाया हो जाएगा, सब खा जाएंगे दूसरे। जुटे हुए हैं खाने के ऊपर। तुम्हारे बच्चे कब तक खाना खाएंगे सिम्बा? ये मेरे ऊपर क्यों आ रहे? मेरे ऊपर नहीं आओ प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ गंदे बच्चों, प्लीज़ गंदे बच्चों मुझे माफ़ कर दो। सिम्बा अपने बच्चों से कहो ना, क्या देख रही हो? सिम्बा तुम्हारा 5वां बच्चा कहाँ है? वो आ रहा पीछे से, वो आ गया गंदा सा बच्चा, पूरे अपने ऊपर खाना लगा दिया है। मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। तुम अकेले खाना खा रहे हो? उस वक्त बच्चों को खाना देके मैं नीचे आ गया हूँ, क्योंकि वो किसी सूरत में भी खेलने को तैयार नहीं थे, ना उनके पेरेंट्स। गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुत्तों का बुरा असर लगा हुआ है, पता नहीं गर्मी कब ख़त्म होगी और ये कब दोबारा से सही होंगे। तो 4 कुत्ते यहाँ पर हैं इस वक्त और 7 कुत्ते ऊपर हैं, और पता नहीं कौन कितने कहाँ पर हैं। और एक मैं बताता हूँ, एक कुत्ता यहाँ पर है, कुत्ता ही बन के रह गया हूँ भाई। सीरियसली, इन कुत्तों को संभाल संभाल के मैं कुत्ता बन गया हूँ। तो कहेंगे आप शौक भी तो तुम्हारा ही है। शौक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जितनी भी क्रिएशन है ऊपर वाले की, उसको साथ भलाई करना, उसके साथ नेकी करना, उसके साथ अच्छा रवैया रखना, यही तो करना चाहिए इंसानों को। क्योंकि बाकी अगर आपके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाए और आपके अंदर एक सेल्फिशनेस डेवलप हो जाए, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ज़िंदा रहें तो सबके लिए ज़िंदा रहें, यही मेरा आज का मैसेज है। खैर कहें, आप मुझसे कहेंगे मैसेज कौन तुमसे मांग रहा था भाई, तो मैं मैसेज देने को किसने कहा है? खैर, चाहे मर्ज़ी है, चाहे तो मैसेज लीजिएगा, चाहे तो मत लीजिएगा। इसके साथ ही अपने आज के व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह कल किसी मज़ेदार से व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।